और इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा अरिजीत सिंह का ड्राइंग किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इट्टू सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और भाई साहब, हम यहाँ पर ड्राइंग करेंगे तो सबसे पहले हम बॉक्स चूज करेंगे। तो ये वाला जो बॉक्स है ई, ये रहा बॉक्स 4E4, जो ये वाला बॉक्स है यहाँ से हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। यार हमको तो इतना अच्छा फोटो नहीं मिलेगा, पूरा गूगल मैंने चांद मारा, उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी देखा, अरिजीत सिंह का एक अच्छा फोटो हमको नहीं मिला। तो उनमें से एक ही मुझको अच्छा लगा, जो कि ये रहा ये फोटो, जो रेफरेंस फोटो है, इसी को मैं आज यहाँ पर बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऑब्जर्व करके जो आई है, आई को मैं बना रहा हूँ। जो ये वाला बॉक्स है, एक ही बॉक्स के अंदर मैंने आई बनाए, तो इसी तरह से आपको भी बनाना है, तभी आपको एक आउटलाइन मिलेगा अच्छा खासा और जो कि बेहतर ही होगा। तो अगर आप मुझको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा होगा, मतलब मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपको भी एक परफेक्ट आउटलाइन मिलेगा। तो भाई बिना कुछ काम किए अपनी मर्जी से यहाँ पर मैं आपको जिस तरह से दिखा रहा हूँ, बस मुझको फॉलो करो, आपको भी अच्छा खासा आउटलाइन मिल जाएगा। तो पहला जो आँख है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम दूसरा आँख बनाएंगे। तो दूसरा आँख के लिए मैं बीच वाला बॉक्स छोड़कर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। हमको बस ऑब्जर्व करना है किस तरह से है, कहाँ से क्या होगा, ऑब्जर्व करके ही पूरा ड्राइंग हम बनाएंगे। और ग्रिड किस तरह से बनाते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहाँ पर जाके आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से सिखाया किस तरह से ग्रिड बनाते हैं। उसके बाद आप इस तरह का एक ग्रिड बना लेना, उसके बाद यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ आप फॉलो करो, हो जाएगा। इतना टेंशन मत लो भाई, ड्राइंग बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो मतलब वो टेंशन पर आ जाते हैं, किस तरह से करेंगे भाई, हमको नहीं पता किस तरह से करते हैं ड्राइंग। अरे यार छोड़ो, बहुत ही सिंपल है, बस मुझको फॉलो करते जाओ, इसी तरह का इस तरह से कर रहा हूँ। आप अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, वीडियो को हो सके तो थोड़ा सा स्लो करके देखो, आपको बेहतर समझ में आएगा। आईज हो गया, नोज भी हमने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी का जो पोर्शन है उसको भी हम अच्छे से ऑब्जर्व करके बनाएंगे। नाक के साइड में जो रिंकल है उसको भी हम इस तरह का एक लाइन से हम बनाएंगे। अब अच्छे से देखो कौन सी बॉक्स पर मैं बना रहा हूँ, साइड में नंबर वगैरह है उसको आप ध्यान से देख लो, ई एफ जी एच, उसको आप अच्छे से देखो। मेजरमेंट हमको अच्छे से आना चाहिए, जब मेजरमेंट अच्छा होता है तो पूरा जो पोर्ट्रेट है वो बहुत ही बेहतरीन से हमको एक आउटपुट मिलता है। तो आप अच्छे से देखना मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो ये फेस जो है, फेस भी हम यहाँ पर अच्छे से बना लेंगे, थोड़ा सा हम टाइम लगा कर करेंगे, ज़्यादा इतना जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, एकदम स्लो करो। अगर आपको चाहिए तो 2 या 3 घंटे ले लो एक ड्राइंग के लिए, ज़्यादा तो इतना आप मतलब वो मत करना, क्या बोलते हैं यार, जल्दबाजी, यस आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करो ड्राइंग पर। आपको अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपका जो ड्राइंग है वो बेहतर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मैं आपके दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो आप अच्छे से करो भाई, एकदम शांत होकर, एकदम अपने फ्रेश माइंड लेकर आप एक ड्राइंग करो, तभी ड्राइंग बेहतर होगा। लिप्स हो गया, अब दाढ़ी बनाएंगे। दाढ़ी के लिए हम यहाँ पर छोटा छोटा इस तरह से लाइन खींचेंगे, तो दाढ़ी भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। आपको बस ऑब्जर्व करना है किस तरह से मैं यहाँ पर करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसके बाद आप बनाओ। तो दाढ़ी जो है उसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, ऊपर का जो हिस्सा है वो हम पहले बना लेंगे, और उससे पहले जो ये वाला फोटो है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका बहुत ही काम आएगा। अभी हम ऊपर का हिस्सा और जो फेस का आउटलाइन है उसको हम बनाएंगे। अब देखो भाई अच्छे से देखो किस तरह से कर रहा हूँ, और जो ये पेंसिल है मैं यहाँ पर एक 6B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ऐसा गलती मत करना, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर डार्क पेंसिल मैंने इस्तेमाल किया है। आप हमेशा एक लाइट पेंसिल जैसे कि 2B या फिर HB कोई भी एक लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करना, मैं आपको दिखाने के लिए अच्छे से विजिबल होने के लिए यहाँ पर एक डार्क पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दाढ़ी में इसी तरह से बनाऊंगा लाइन खींचकर, जब हम शेडिंग करेंगे या फिर जो कलर करेंगे तब अच्छे से बनाएंगे, अभी सिर्फ गाइडलाइन के लिए इस तरह से मैं छोटा छोटा लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए जो मेरा चैनल है उसको आप लाइक तो आप कर ही दोगे मुझको मालूम है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और अपने कोई दोस्त वगैरह है तो उससे भी शेयर करना। ठीक है, तो बस बाकी का जो ड्राॅइंग है वो हम यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे। जो फेस है वो आधा तो हमने अच्छे से कम्प्लीट कर लिए है, अभी बाल बनाएंगे, बाल तो बहुत ही मैसी है, तो हम यहाँ पर जिस तरह से कर रहे हैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए
मैं थोड़ा सा मैसी इस तरह से बनाऊंगा। बाल हो गया, दाढ़ी हो गया, जो फेज है वो हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए है। और एकदम लास्ट आखिर में बाकी है वो है शर्ट। शर्ट को भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो बस भाई आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी तरह से आप अरिजीत सिंह का ड्राइंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और नीट एंड क्लीन आप बना सकते हैं अगर आप मुझको फॉलो करेंगे तो। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, बना भी पाएंगे पता नहीं, क्या कर सकते हो। तो खैर भाई इसी तरह से आप बना सकते हैं एक आउटलाइन अरिजीत सिंह का। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगे हैं प्लीज़ कॉमेंट करना और लाइक तो आप भी कर देंगे मुझको पता ही है, और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।